दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दुनी डैम पर, जहां पर आपको मैं दिखाऊंगी यहां का व्यू। तो चलिए, शाम हो चुकी है और ये व्यू देखिए चारों तरफ से। ये मैं डाक बंगला जो कह रही थी मैं वहां से आई हूँ, तो उस रूट पे है। और यहाँ पे देखिए, ये मुझे लगता है कि ये कोई नाव पड़ी हुई है पुरानी, ये पलट चुकी है और काफी पुरानी होगी। तो इधर से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आराम। ये देखिए इसमें कितना जल भराव है। ये जो पानी है ये काफी ऊंचाई तक आ जाता है। ये जो आपको घास दिख रही है इस ऊंचाई को ये छूता है, जितनी ऊंचाई आपको दिख रही है। तो अभी तो फिलहाल पानी का स्तर बहुत ही नीचे है। और वो देखिए एक सियार दिख रहा है उधर, वो छोटा सा देख नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ से इसका व्यू उठाते हैं डैम का। हम नाव पर चढ़े हुए हैं इसलिए इसकी आवाज आपको आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। हम इधर से नीचे भी जा सकते हैं, चले चलो चलते हैं आराम से। मैंने ही पहन रखी है, इधर साफ तो नहीं होगा। ओह माय गॉड, वापस आ पाऊंगी मैं? आ जाऊंगी। इधर एक नाव पड़ी है और जाल भी है। मोची 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 उधर चलिए, आप इनसे मतलब मत रखिए, क्या इनका फायदा है। ये देखो ना, ये जाल है, यहाँ पे मछली भी मारी जाती होगी, इसका मतलब पकड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक नाव पड़ी हुई है और पानी काफी निचले स्तर तक है पानी। तो इसमें हम शायद, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से उधर तक चली जाऊँ तो मेरी हाइट तो बहुत कम है, मैं डूब जाऊंगी क्योंकि मैं छोटी सी हूँ। और अगर कोई लंबा आदमी चाहे जो तैर सकता हो तो वो आराम से इधर से उधर तैर के जा सकता है। अंदर गहरा होगा, बीच में गहराई नहीं, वहाँ पे वो जल मुर्गियाँ बैठी हुई है। देखिए नहीं, वो तो लोग चले चले नहीं नहीं नहीं, फिर पैर गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। नाव में जाऊं मैं? नहीं 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 और इसमें तराजू है। और हेलो, किसके नीचे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा इस पे पैर रखे है ना, इस पे कह रहे हैं, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है कि खराब हो चुकी है। इट्स वॉर्न आउट, दैट्स व्हाई ही सेइंग दैट डोंट गो फॉरवर्ड ऑन इट, सो आई एम गोइंग बैक। मेरी नाम एक फोटो क्लिक कर दो। आप मछली मारते हैं यहाँ पे? इसमें मछलियाँ तो दिख नहीं रही हैं। इधर देखिए, इसमें मछली तो है रही। मछली बोल तो रही मैं है? बोल रही है मछली? कैसे पता चल रहा है? ऊपर से आती नदी, गंगा से आती, नीचे से ऊपर आती। हमने सुना था मछलियाँ ऊपर से आती हैं, इसमें ऊपर से आती भी है। सही है, ऊपर से आती है, नीचे से आती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं पानी की तरफ। कि भैया गहरा कितना होगा इसकी गहराई? इंसान नहीं डूब सकता इतनी गहराई। मैं डूब जाऊंगी कह रहे हैं इसका मतलब मैं छोटी हूँ। मन करे तो आ जाइए, आ जाना, इसी में कूद जाना। और अगर उस साइड को कूदी ना तो मेरी हड्डियाँ जो है क्रैक हो जाएंगी, जाने कहाँ कहाँ से। आ जाओ आगे चलते हैं, उधर से थोड़ा देख। इधर गहरा होगा। हाँ,
ये पक्का गहरा है और ये पानी बहुत तेज चल रहा है और आगे जाना भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे मरना नहीं है बिल्कुल नहीं। क्योंकि उधर से वो मैं यहां तक चली जा रही हूं। डर गई ना मछली 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 वो रही वो रही वो है वो क्या कहते हैं काली काली होती है सिंगी बहुत बहाव इसका तेज है इसलिए मैं तो निकल रही हूं। गहरा भी है जहां पे देखो 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 पानी की लहर ऐसे चल रही है जैसे मछली हो है ना गोल गोल घूम रहा है वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो मछली गहरा नहीं है वो है मछली वो है वो है वो है मुझे तो दिख ही नहीं रही आंखों पे चश्मा लगा के देख ना ना वहाँ पे गहरा नहीं है वो देखिए जो उसका वो है ना वो होता है दर जैसे कहते शायद ओहो ये देखो घूम कितने पड़ रहे हैं एक दो तीन मगरमच्छ भी होता है नदी में भागो यहाँ से देखिए कितना अच्छा वो है व्यू मगरमच्छ मुझे खा सकता है लेकिन यहाँ पे वाकई बहुत तेज फ्लो है और जब ये पूरा भर जाता है तो ये पानी ऊपर तक रहता है देखिए आप अभी तो यहाँ पे काफी वाटर लेवल जो है जहाँ वो मिट्टी लगी व्हाइट व्हाइट तक शायद हो जाता है। हाँ, इतना तब तो मैंने भी देखा बहुत वो होता है उस साइड में हम आपको दिखाते हैं उधर का व्यू थोड़ा अलग है चलो चलते हैं अभी कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती आगे बताऊंगी अच्छा है इधर से एकदम क्लियर दिख रहा है देखिए कितना खूबसूरत है इट्स रियली रियली वंडरफुल। ये तो मार्च अप्रैल फरवरी हाँ फरवरी हम किधर से आए मार्च अप्रैल मई नाव के सीध में मई के मई तक आप जहाँ पर मतलब वो कर सकते हैं और जैसे ही मेरे सबसे जून जुलाई अगस्त सितंबर तब पानी वहाँ तक लग जाता होगा ऊपर तक। चलिए 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 आइए मैम आप भी ये हम आ गए बाहर और अब हम चलेंगे दूसरी तरफ उधर पुलिस चौकी हुई है पता है आपको नहीं वो वैसे बैठते हैं मतलब कुछ इट्स ब्यूटीफुल मैं नीचे जाऊं हाँ आराम से आहा कितना सुंदर है वो नापते हैं इसमें नापते हैं हाँ पानी का कैसे या मीटर होते हैं जैसे कि इधर साइड हाँ उस पे लिखा है कुछ तो है नो नो हम डरते नहीं है यही तो कह रहे थे डर गए नहीं कुछ और ही कह रहे थे बोल रही है इनकी कुर्ती से इसमें नीचे की ईंटें बहुत अच्छी दिख रही है साफ आराम से अच्छा पानी से पीछे रखो मेरा मोबाइल नहीं तो मैं आप लोगों को वीडियो कैसे बना के दिखा पाऊंगी अगर ये पानी में गिर गया तो क्या होगा ये देखिए इसी तरह से शारदा डैम का भी व्यू है तो हम अब वापस दूसरी तरफ चलते हैं आइए ये वही फ्लो है देखो कितना बढ़िया फ्लो है ना ये फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज होता है अभी तो इसमें पानी कम है जब ये ऊपर तक कुलाचे मारता है एकदम तो बहुत सुंदर लगता है हाँ 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 इधर भी कबूतर है चलो चलते हैं अब उस तरफ चलेंगे आइए यहाँ से एक बार व्यू देखने लायक है खूबसूरत सा व्यू है और बहुत ही ज्यादा ऑसम
देखिए चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाइए, शाम है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में आपको। वाह क्या बात है, खूबसूरत। ये क्या हुआ? इतना महंगा चश्मा बनवाया था मैंने, अभी 2 महीने पुराना है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं किससे देखूंगी। चश्मे के साथ मैं वापस जा रही हूँ। चलिए दूसरी साइड चलते हैं। चलिए चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। और क्या? और मेरा चश्मा टूट गया। आओ, ये टूट क्यों गया मेरा चश्मा? ये क्या चीज है? मुझे लगता है इससे जो क्यूसेक में पानी छोड़ा जाता है ना, उनको कंट्रोल किया जाता होगा, है ना? थोड़ा सा देखते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें वापस भी जाना है और हमारे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, तो मैं बहुत दूर आई हुई हूँ। तो आप लोग को उधर का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि उधर का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपको भी लगेगा। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ साथ और भी नज़ारे। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल। इधर से देखो ये डैम है, पीछे देखा पीछे और ऊपर भी। इस रास्ते पे कोई जाता होगा? है, लॉक किया हुआ है। ये लॉक है ना? बट नहीं, लॉक नहीं है, बस वैसे चले जाते हैं। नहीं जाने का नहीं है, नहीं चले जाते हैं। चले क्या? हाँ चले, नहीं परमिशन होगी ऊपर जाने की? नहीं, ये देखिए लिखा हुआ है आज्ञा से, लिखा तो नहीं, कुछ पढ़ो देखो। चित्र लेना मना है? चित्र नहीं, हम एक्चुअली हम चित्र नहीं ले रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, है ना? चित्र लेना मना है। ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या क्या पता परमिशन है या नहीं? हाँ, है परमिशन का क्या पता, इसलिए वैसे भी मेरा चश्मा टूट गया है तो मेरा नुकसान हो गया है। ये देखिए देवा बैराज, देवा नदी है, ये आगे कंटिन्यू 1925 और इन ईंटों पर लिखा हुआ है 1960 15th of June। तो मुझे लगता है कि ये ईंटें इतनी पुरानी होंगी, आप समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी है। एंड 1925 ये भी काफ़ी पुराना है। हाँ, यह पुल कमजोर है, 3 टन से अधिक वाहन ले जाना वर्जित है, अन्यथा नॉर्दर्न इंडिया कैनाल के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक चेतावनी दे दी गई है क्योंकि ज़्यादा भारी सामान घर से ले जाने पर पुल को खतरा है और अगर कोई ले जाता है इधर से तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसके सामान को भी भारी क्षति होगी, इसलिए यहाँ पर ये चेतावनियाँ दे दी गई हैं। ये देखिए मैं कह रही थी ना यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, इधर आप जो देख पा रहे हैं सामने वहाँ शायद ककड़ी खीरा ये सब इस तरह की जो समर सीजन्स में जो खेती की जाती है वो लगाया जाता है। और यहाँ पे
सारी। मैंने तो कहा था ना उधर बहुत सारी। हाँ वो मछली नहीं है, हमारा गुलदस्ता वो रहा, हमारा गुलदस्ता। चलो इधर से हम नीचे चलेंगे, इधर से नीचे चलेंगे। आओ अब नीचे चलते हैं। बॉटल ब्रश प्रियंका, ये है बॉटल ब्रश, देखो वो पूल है, बचपन में हम लोग खूब खेलते थे इससे। अब भी बचपन के नहीं हुए हैं लेकिन बचपन बीत गया है। और मैं बहुत पहले आई थी तो यहाँ पे मैंने समर्स में अपनी फोटो खिंचाई थी, यहाँ बैठ के यहाँ पे देखो लोग यहाँ आते हैं। और देखिए ये स्लो दिखाइए नीचे, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और तरह तरह के पोज दे रहे हैं। क्या हम नीचे चले? हम जा सकते हैं, हम भी फोटोग्राफी कर लेंगे वहाँ पे बैठ के हैं। देखो वो लोग जा रहे हैं कैसे। मछली तो ये मछली नहीं है, नहीं है, नहीं। वो है मछली, कितनी सारी, एक गई एक गई, वो रही वो रही, देखो वो सब है, है? वो सब मछली है। चलिए इस साइड अब नीचे चलते हैं, है ना? मैं नीचे नहीं जाना। हाँ वैसे क्योंकि टाइम इधर से दिखा दिया हमने, ये भी तो दिखा दीजिए। और यहाँ पे जब मेला वगैरह कुछ लगता है या भीड़ होती है दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल ज्ञान मंत्रा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का ये व्यू, आज का हमारा पीलीभीत का ये खूबसूरत सा नज़ारा कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का इंतज़ार करूँगी। तो चलते हैं इस खूबसूरत शाम के साथ, उम्मीद करते हुए कि आप सभी अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और हमेशा खुश रहेंगे। बाय बाय।